हाय फ्रेंड, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर, जैसे कि ये हमारा मॉडल है, इसमें अंदर देख सकते हैं कि अब ये सर्कल है। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग में या मोल्डिंग में काम करते रहेंगे आप, तो आपको ये रनर, इसको हम लोग रनर बोलते हैं। अगर रनर रनर ज़्यादा बनाने के लिए आता है, ऐसा ऐसे आप जिसमें आपको मेटल जाने के लिए ऐसा हाफ सर्कल आता है, ऐसा बनाने के लिए कभी कभी छोटा भी आता है, बड़ा भी डायमीटर आता है। तो आप इसके ऐसा कभी भी अगर आपको ऐसा आएगा रनर बनाने के लिए, अगर हाफ सर्कल आ रहा है बनाने के लिए, छोटा हो डायमीटर हो या बड़ा डायमीटर हो, तो आप कैसे बनाते हैं? आप बना इसको, अगर आपको 18 डायमीटर का आ गया हाफ सर्कल बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे उसको? आप क्या करेंगे? रफिंग करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, फिर आप उसको कॉन्सेंट्रेट से फिनिश करते हैं। तो आप जब रफिंग उसको करते हैं तो कैसा करते हैं? मॉडल एयर क्लियरेंस में हम लोग जाते हैं और फिर उसके अंदर एंड मिल यूज करते हैं तो रफ हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बॉल कटर चलाते हैं। आपको इसमें पता होगा कि जब इसे ये रनर है जो हमारा, उसमें हमारा बॉल ही कटर चलेगा तभी तो हमको फिनिश आएगा। अगर हम लोग इसमें एंड मिल चलाएंगे तो इधर हमारा फ्लैट आ जाएगा, ऊपर से चलने के बाद इधर हमारा फ्लैट आ जाएगा। तो हमको क्या इसमें बॉल ही कटर चलाना पड़ता है। तभी जब हम लोग इसको बॉल कटर चलाएंगे, जब बॉल कटर चलाएंगे तो उसको हम लोग कैसे चलाएंगे? अभी हमारा जो रनर बनाना है, इसको हम लोग अगर बॉल कटर में चलाएंगे तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत से कमांड इसको बनाने के लिए है, लेकिन हमको कभी भी प्रोग्राम बनाते टाइम पे ये चीज़ हमको देखना है कि हमारा जो टाइमिंग है वो कम होना चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग टाइम कम होना चाहिए तभी हमारा जल्दी जॉब बनेगा, जल्दी जल्दी हमको जॉब बनाना है। तो हमारा जो टाइमिंग है वो हम कम कैसे करेंगे? अगर हम लोग अलग अलग कमांड में जाएंगे तो हमारा टाइमिंग भी बढ़ेगा। तो हमको कमांड ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि हमको इस कमांड से प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारा जल्दी बनेगा और टाइमिंग भी कम आएगा? मैं आपको पहले कॉन्सेंट्रेट में बना के दिखा देता हूँ। तो पहले हमको इसको रेडियस दिखा देता हूँ कि इसका जो रेडियस है और बॉल कटर कौन सा चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियस को चेक कर लेंगे। अभी इसमें जाता हूँ मैं, रेडियस में मैं क्या करता हूँ, 3 का डाल देता हूँ, लेकिन हमारा ये जो रेडियस है वो 3 का नहीं है, 2.5 का डाल देता हूँ तो क्लीन हो रहा है। तो ये हमारा 2.5 मतलब कि 5 का ये डायमीटर आ रहा है, मतलब ढाई का रेडियस है तो 5 का डायमीटर हो रहा है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लॉक में जाके चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि 2.5 mm आ रहा है, मतलब कि हमारा 5 का ये डायमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 का बॉल सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं एक 5 का बॉल बना के रखा हूँ, ये 5 का बॉल हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट का प्रोग्राम छोड़ देते हैं। जो इसका टाइमिंग आता है वो मैं दिखा देता हूँ, और इसको कितना जल्दी बनाना चाहिए वो भी मैं कमांड सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा प्रोग्राम बन गया। ये क्या प्रोग्राम हमारा बन गया, इसमें भी हमारा जो प्रोग्राम है जॉब बना है ये ओके है, इसमें भी हमारा बन के निकल जाएगा, प्रोफाइल जो है हमारा बन जाएगा। अभी मैं, लेकिन इसमें हमारा बीच में पॉइंट हल्का छूटा हुआ है, ये देख सकते हैं ये क्यों, इसमें क्यों ऐसा होएगा, क्योंकि इसको सिमुलेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा सिमुलेशन है इसमें दोनों साइड से हमारा प्रोग्राम चलते हुए जाएगा, बीच में बाद में लास्ट में इधर बीच में जाके मेटल निकालेगा। तो बीच का जो मेटल निकालेगा तो लास्ट में जाएगा, तो इधर आवाज करते हुए वो धीरे धीरे नीचे जाएगा ऐसा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी ऐसा आपको रनर बनाने के लिए आएगा तो आप रफिंग भी बॉल कटर से ही करना, क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा बचेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले क्या करेंगे, पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा आपको। पैटर्न में चले जाएंगे, पैटर्न में जाने के बाद इसके जो सेंटर में एक लाइन बना देंगे ऐसा, इधर जाएंगे एक लाइन सेलेक्ट करेंगे सिंगल, और इसके सेंटर में पैटर्न हम लोग क्रिएट कर देंगे ऐसा। पूरा पैटर्न इधर तक नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो कटर का आधा है वो हमारा इधर आएगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर तक लेना पड़ेगा। और बाकी जो इधर है सब इसमें भी सेंटर में ले लेंगे, एक लाइन सेंटर में लाइन लेंगे, क्योंकि हमको इसमें बॉल कटर चलाना है। टोटल जो डायमीटर आ रहा है 5 का, वो टोटल हम लोग इसमें 5 का बॉल कटर चलाएंगे ऐसा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा सेंटर में इसकी एक लाइन ले लेंगे ऐसा, सेंटर में ऐसा लाइन ले लेंगे। अभी ये हमारा लाइन, इसमें हम लोग क्या किया, लाइन पूरा क्रिएट कर लिए, लाइन करने एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको मर्ज करके करना पड़ेगा, आपको ये चीज ध्यान रखना है, मर्ज करके करना है। मर्ज करके 5 लाइन बन गया अभी हमारा। अभी ये हमारा जो लाइन बन गया, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट भी कमांड यूज कर सकते हैं, और भी हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग इसको रफिंग करके बना सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं, हम लोग को इसमें 2D में जाना पड़ेगा। 2D में जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 2D कर प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, इसमें 2D कर प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग को मशीनिंग करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बॉल कटर को सेलेक्ट कर देने का, बॉल कटर से ही बना देंगे। तो हमारा जो 5 का है, 5 का स्लॉट है, तो ऑटोमेटिक ये जो साइज है वो बन भी जाएगा आपका ऐसा। इसमें जाएंगे और पैटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना जो 2.5 है डिपिंग, उतना हम लोग इसमें डाल देंगे। 2.5 डिपिंग डालने के बाद जो इसका प्रोग्राम है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, मशीनिंग कर देंगे।
मॉडल चालू कर देंगे कि हमारा जो प्रोग्राम किधर घुसेगा वो भी हमको पता चल जाएगा। अभी मतलब इसको क्या करेंगे, इससे प्रोग्राम बना लेंगे। अब इसका जो टाइमिंग है, काउंसनजेट का जो टाइमिंग बना हुआ है वो वाला टाइमिंग, और इससे जो हमारा बन रहा है वो जो टाइमिंग, दोनों हम लोग टाइमिंग क्या करेंगे चेक कर लेंगे दोनों का। इसमें जो आपका पैटर्न है वो बराबर बनाना पड़ेगा, अगर पैटर्न थोड़ा भी इधर उधर डिफरेंस रहेगा तो मॉडल में घुसेगा वो, आपको ये चीज पता चल जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टाइमिंग है और इसका जो टाइमिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी पर इसका फीड कितना है 1000, और इसका भी जो कितना फीड है ये भी हम लोग देख लेते हैं 1000। मतलब कि काउंसलिंग का जो फीड है वो है हमारा 1000, और हम लोग इसका भी फीड चेक कर लेते हैं, ये कितना बता रहा है, ये भी 1000 बता रहा है। तभी दोनों का टाइमिंग चेक कर लेते हैं। इसका टाइमिंग हम लोग देख लेते हैं कितना है, 7 मिनट बता रहा है, और इसका जो टाइमिंग वो देख लेते हैं 11 12 मिनट बता रहा है। तो आपको कितना बता, 7 इसमें 11 इसमें, आपका 5 मिनट बच रहा है, 4 मिनट 5 मिनट बच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका 5 मिनट पर पीस में बचेगा। अगर आपका पीस ज्यादा रहेगा तो आपका, या क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो आपको टाइमिंग कितना बचेगा। तो आपको क्या होएगा कि कभी भी ऐसा, अगर आपको बॉल कटर ऐसा रनर जैसा बनाने के लिए आएगा, अगर आपको बॉल हाफ सर्कल आएगा, तो आप कभी भी एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, आपको क्या करने का है, जैसे कि आपका 18 का रेडियस आ गया, हाफ आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 के कटर से रफिंग करना पड़ेगा, एंड मिल से रफिंग नहीं करना। अगर एंड मिल से रफिंग करेंगे तो नीचे जाके फ्लैट छोड़ देगा, इधर फ्लैट छोड़ेगा, और आपका जो प्रोग्राम है फिर से वापस आपको बॉल सर से रफिंग करना पड़ेगा, फिर से वापस बीच में, तब जाके आपको प्रोग्राम इधर तक आएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इधर से फिनिश चलाना पड़ेगा, दोनों साइड से काउंसलिंग जेट का फिनिश चलाएंगे तो फिर दोनों साइड से चलते हुए आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर 16 कटर चलाएंगे रफिंग करने के लिए, तो ऐसे आपको 16 कटर रफिंग करेंगे तो आपका पूरा रफिंग हो जाएगा। रफिंग होने के बाद आपका जो रफिंग हो जाएगा, रफिंग होने के बाद आप डायरेक्टली फिनिश चला सकते हैं, तो उसमें आपका टाइमिंग कम हो गया, कमांड भी कम यूज करने पड़ा। अभी इसको हम लोग सिमुलेशन करके देख लेते हैं कि जो हमारा ऐसा रनर है जो दोनों साइड से सेम बन रहा है क्या। तो सिमुलेशन में जाते हैं, सिमुलेशन को ऑन करते हैं और इसको सिमुलेशन कर देते हैं। इसमें देख रहे हैं कि दोनों साइड से चलते हुए जा रहा, बीच में जो मेटल है वो निकाल रहा है धीरे धीरे, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आपका रनर सेम बन रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले का रनर वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, उसमें भी जाते हैं, उसका भी सिमुलेशन करते हैं, इसको भी ओके चालू करते हैं और इसमें भी देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपका एक साइड में पूरा बन रहा है, इससे आपका मेटल ही छूट रहा है, टाइमिंग भी कम लगेगा और रनर भी ओके एक जैसे दिख रहा है। तो आपका ऐसे टाइमिंग हम लोग कभी भी प्रोग्राम में कम करना है तो आपको कमांड के ऊपर जाके कम करना पड़ेगा, ये कौन सा कमांड हमको यूज करना चाहिए ऐसा।